एक ऐसा मत मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी के दो विग्रह हैं। काफी गोपिया लोग आई है फोटो शूट कराने के लिए। इधर भी देखिए और इधर भी कुछ है। भाई हम तीनों स्मार्ट लग रहे हैं, सही है। तो चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फिलहाल हम लोग अभी पटना के गलियों में घूम रहे हैं और यहाँ रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 200 मीटर है, तो हम लोग बाई फुट हम लोग कवर कर लेंगे। और हमारे साथ अभी कौन कौन है, इधर गौतम है, इधर कौन है, ये है अतुल। बाकी बात पीछे का व्यू देख लो, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड जगह है, तो पता होगा बिहार का पटना। तो हम लोग फिलहाल अभी जा रहे हैं हनुमान मंदिर, आगे जाके देखते हैं। देख लेते हैं कुछ इस तरह का व्यू है भाई, सुबह सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंडा लग रहा है क्या तुम? ज़्यादा ठंडा लग रहा है। रेलवे स्टेशन पटना का के बगल में ही हनुमान मंदिर। अगर आप लोग पटना आते हैं रेलवे स्टेशन, तो पटना महावीर मंदिर को मिस मत करना, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। और क्यों फेमस है आप लोगों को वीडियो में आगे देखने के लिए मिल जाएगा। देखते काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। और चलिए पहले मंदिर के प्रांगण में घुसते हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन है सारा कुछ जानकारी ले लेते हैं। तरफ के यहाँ देख सकते हैं इस तरह कुछ है। चलिए पहले यहाँ का पता करते हैं, टिकट वगैरह क्या लगता नहीं, आई थिंक पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम खुद आ रहा हूँ। बाकी बात देख सकते हैं, इधर से निकास द्वार है, इधर दिख रहा है, इधर से यहाँ पर पुरुष काउंटर है। यो यहाँ पर शू वगैरह रख सकते हैं आप लोग प्रवेश द्वार के लिए। सभी भक्तगण लोग आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, तिरुपति के कुशल काशीगर द्वारा निर्मित लड्डू, ये यहाँ का जो प्रसाद है ये काफ़ी फेमस है। तो फिलहाल हम लोग भी अंदर जाएंगे, रेट वगैरह क्या क्या है सब आगे बताते हैं। बाकी बाकी आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इस तरह होर्डिंग लगा हुआ है, यहाँ से प्रवेश करके अंदर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग जूता चप्पल खोलते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये मंदिर क्यों खास है आप लोगों को, सबसे बड़ी बात ये जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये देश में एक ऐसा मात्र मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी के दो विग्रह हैं। और दो विग्रह का अर्थ बता दे रहा हूँ, जिसे बोला जाता है यहाँ पर कि एक से मनोकामना पूर्ण होती है, एक से दुख हरण होता है। जैसे आप लोगों को सामने पर स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, देश में एकमात्र मंदिर है जिसपे हनुमान जी के दो विग्रह है, एक मंदिर की मनोकामना पूर्ण होती है, दूसरे से दुख हरण होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों सामने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग जब भी आएंगे यहाँ पर पटना स्टेशन, तो इसका आप लोग दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि यह जब देश के एक बात हो रहा है कि पूरा इंडिया में हम लोग, क्योंकि पटना शहर में है, तो आप लोग एक बार जरूर यहाँ पर विजिट करें। हम लोग अंदर चलते हैं, फिर अंदर में दिखा करने के बाद दे सकते हैं यहाँ पर प्रसादी सर ले सकते हैं। प्रसादी का रेट वगैरह आप लोग दिखा दे रहा हूँ, मूल्य तालिका देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह कुछ रेट है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये तिरुपति के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाला लड्डू लिखा हुआ है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा काउंटर में भीड़ है, यहाँ लड्डू काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हम लोग भी ले सकते हैं। हम लोग भी कुछ ले रहे हैं, फिर अंदर चलते हैं। फाइनली गाइज हम लोग अब अंदर आ चुके हैं महावीर मंदिर के सामने। अंदर का व्यू कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ फ्रंट व्यू से, ये देख सकते हैं इस तरह का कुछ है। ऐसे आने के बाद देखिए अभी भीड़ कम है, क्योंकि अभी सुबह का मॉर्निंग टाइम हो रहा है, इसलिए इस तरह कुछ व्यू है। देख सकते हैं यहाँ पर वो चढ़ रहे हैं हनुमान, देश के एकमात्र मंदिर जहाँ जहाँ पर हनुमान जी का दो विग्रह है। अब देखते हैं दो विग्रह अंदर में जाकर, हम देख सकते हैं आप लोग इस तरह का कुछ है, अंदर का व्यू है इस तरह। ये कि अगर आप लोग अंदर आते हैं तो अंदर में बहुत सारा का मंदिर है, तो सब कुछ घूम लेना आप लोग, देख सकते हैं फिलहाल इधर भी है और ऊपर भी है, ऊपर चलते हैं अभी। फाइनली अब हम लोग पूजा वगैरह कर लिए हैं, अब यहाँ पर हनुमान जी को दिखा जहाँ पर थे, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर में देखते हैं आरती हो रही, इधर देखिए ये लिखा हुआ ऐसा किस तरह का, चलते हैं ऊपर और ऊपर से देखते हैं ऊपर में क्या है वगैरह।
क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आई थिंक हम लोगों को पता नहीं है फिलहाल के लिए। इस तरह का सीढ़ी है, बाकी बस अपन लोग यहाँ पहुँच चुके। अरे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आई थिंक मंदिर में। उससे ओ भाई क्या मस्त नज़ारा है, देख सकते हैं यहाँ पर। ओहो आप लोग यहाँ पर यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। अब यहाँ पर अतुल का फोटो खींचते हैं पहले। हनुमान मंदिर का पूरा ये व्यू, इस मंदिर घूमने आते हैं आप लोगों को सबसे खास बात बता दे रहा हूँ। यहाँ पर चढ़ने के बाद आप लोगों को क्या व्यू दिखता है आप लोग दिखाते हैं, उस नज़ारा को दिखाते हैं आप लोगों को। लोग यहाँ देखते हैं काफी, पटना स्टेशन पर व्यू दिखता है खतरनाक, देख सकते हैं जरा। ओ अब यहाँ से फोटो वगैरह शूट चलेगा भाई, देख सकते हैं। ये है हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर के सामने से देखिए इस तरह का व्यू दिखे नहीं मिलेगा आप लोगों को जब ऊपर चढ़िएगा। तो ये पटना स्टेशन का पूरा व्यू है, काफ़ी हाँ काफ़ी मस्त नज़ारा है, देख सकते हैं इधर। ओह क्या यहाँ तो रील बनाना बनता है भाई, यहाँ तो रील बनाओ बनाते हैं नहाते हैं, जो आप लोग इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात आप लोग से मिलते हैं जल्दी। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सबसे ऊपर, समय देख सकते हैं सामने यहाँ पर इस तरह का मंजिला बना है, ऊपर में जय श्री राम लिखा हुआ देख सकते हो उधर, जय श्री राम इधर जय राम इस तरह का है। दो विग्रह है यहाँ पर आप लोग हनुमान मंदिर का, उसका ऊपर चढ़ चुका ऊपर सब लोग व्यू दिखाता हूँ क्या पटना सर विग्रह भाई। और सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग ये है स्टेशन, इस तरह कुछ व्यू दिख रहा है। और देखिए इधर पटना सर यहाँ सबको दिख रहा है, मेरा कभी आ रहा देखते हैं इधर सभी चिल कर रहा है इन लोग। बाकी बात यहाँ का देखिए, यहाँ का कुछ आप लोगों को फोटो दिखाता हूँ, कुछ टाइम लैप्स दिखाता हूँ, देखिए एंजॉय कीजिए। काफ़ी गोपियाँ लोग आई है फोटो शूट कराने के लिए, इधर देख सकते हैं, इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, और इधर भी कुछ है देखिए। ये है हनुमान मंदिर का ऊपरी भाग, तो काफ़ी लोग भक्त को यहाँ पर भी आए हुए हैं। अरे देखिए सीढ़ी सब उतर रहे हैं, अभी हम लोग उतरने का टाइम हो चुका है। बैठे देख सकते हैं इस तरह का, ओहो काफ़ी लोग आ रहे हैं, और हम लोग का जाने का टाइम हम लोग आ चुका है। अभी हम लोग निकलने वाले हैं, तो चलते हैं, थोड़ा सा देख ले रहे हैं, देखते हैं। अब धीरे धीरे भीड़ होते जाएगा, तो जैसे जैसे भीड़ होते जाता है देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा है। अभी हम लोग हैं हनुमान मंदिर के प्रांगण में, देख सकते हैं काफ़ी इधर हम लोग यहाँ पर विदा होने का टाइम हो चुका है, देख सकते हैं हम लोग काफ़ी लोग इधर देख सकते हैं, इधर गौतम है इधर ये है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। काफ़ी अच्छा लगा विजिट करके, अगर आप लोग आते हैं तो एक बार जरूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड जय भारत बाय बाय।